प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, लाइकर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आज के हमारे टॉपिक में हमने सबसे पहले देखना है यूजीसी नेट हिंदी का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें क्या चेंजेस आए हैं और हमने कहां से क्या स्टार्ट करना है। और अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो या बताना हो या मैं कुछ आपको ऐसा बता रही हूँ जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 नीचे वाला जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है वो पूरी तरह से फ्री है, आप उसे प्रेस कीजिए और साथ में घंटी को भी ज़रूर जोर से दबा देना। और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़, आपके कुछ भी फ़ायदा करता है, कहीं से भी आपको फ़ायदा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और आपके व्हाट्सएप ग्रुप या जिस भी सोशल मीडिया में आप ज़्यादा एक्टिव हैं प्लीज़ इसे शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं इकाई एक। सिलेबस क्या है आज हम ये देखेंगे, हिंदी भाषा और उसका विकास। ये वाले टॉपिक्स हमारे पहले भी थे और इन पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी हैं, कुछ क्लासेस हमारी लगी हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, चौरसेनी, अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। वैसे ये हम बहुत शॉर्ट में करते थे लेकिन अब इन्होंने क्योंकि मेंशन कर दिया है तो हमें इसको भी डिटेल से करना है। यहां तक का सिलेबस हमारा पिछला ही है। ये आपको जो भी येलो लाइन से डार्क किए हुए मिलेंगे, बोल्ड किए हुए मिलेंगे, वो हमारा कुछ नया सिलेबस है। सबसे अच्छी बात और मेरी बहुत पहले की इच्छा थी कि जो नेट का एग्जाम है उसमें ग्रामर बिल्कुल नहीं आती है तो वो आनी ही चाहिए, वो अब कंप्लीट हो चुकी है। आप गुस्सा मत करना, एक्चुअली जब तक हमें ग्रामर नहीं आती हम भाषा को अच्छे से लिख नहीं सकते और जब हम लिख बोल नहीं सकते अच्छे से तब तक हम उसमें परफेक्ट नहीं होते हैं। ये सब पढ़ने का फायदा तब है जब हमें क्या व्याकरण आती हो। तो अब की बार इन्होंने ये चीज़ पूरी की है। हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, ये पहले भी था हम करेंगे भी। हिंदी शब्द रचना, शब्द रचना अगर हमें नहीं आएगी तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे, ये शब्द कहाँ से कैसे कब बना, उपसर्ग प्रत्यय समास यहीं से पता चलता है। हिंदी की रूप रचना, लिंग वचन कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, यहाँ तक नया आया है। साथ में संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी ये नए हैं। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, ये पुराना ही है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण, ये सब जो आपको येलो में दिख रहा है ये नया ऐड हुआ है। और व्याकरण को हमने इस बार अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जब भी मैंने एग्जाम में देखा है सिलेबस चेंज होता है तो पुराने से थोड़ा कम आता है और नए से पक्का कुछ क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो येलो बोल्ड किया हुआ है उस पर थोड़ा सा पहले से ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि की पॉइंट तो हमें मिल ही गया कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस पक्का आए हुए होंगे, इन्हें हो सकता है वो स्किप कर दें। और इसमें सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग और सोचने वाली बात यह है कि जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स हैं उन पे अब हमें ज्यादा ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करते थे, जब भी हम कोचिंग देते थे, पढ़ाते थे, तो हम लास्ट ईयर के 10 ईयर रिकॉर्ड जरूर निकाल लेते थे, उन्हें जरूर करेंगे लेकिन उन पे उतना फोकस नहीं करेंगे, फोकस हम इन टॉपिक्स पे करेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, ये आगे भी है टॉपिक, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लोक साहित्य, भक्तिकाल, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, फिर नया टॉपिक जो है पहले भी था पर हम इस बार क्योंकि इन्होंने हाईलाइट करके दिया है इसलिए भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतःप्रदेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत हम पढ़ते भी हैं पहले भी, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, आपने एमए में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इन सबको, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल,
हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, अब एक जो नया है इसे हम पहले करते हैं लेकिन इतना डिटेल में नहीं। पत्रकारिता का आरंभ और हिंदी और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता आधुनिकता की अवधारणा, फिर ये पहले वाला ही है। अब इन्होंने जो हाईलाइट करके बोला है वर्ष 2000 तक, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि रिसेंट आ जाता है, रिसेंट क्योंकि पब्लिश नहीं हुआ होता है, हमें नहीं पता चलता है, बहुत बार हम इतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो हमारे लिए आसान है कि इन्होंने 2000 तक, देखिए यहां भी इन्होंने दे दिए, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, ये हम करते हैं लेकिन उतना डिटेल में नहीं। फिर है वर्ष 2000 तक ये वाले जो रचनाकार हैं, इसमें वैसे वर्ष 2000 तक के उपन्यास आ जाएंगे, प्रेमचंद का 2000 से बहुत पहले का है। फिर उसके बाद हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी कहानी, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, प्रमुख आलोचक। उसके बाद आता है जो नया सिलेबस है, हिंदी का प्रवासी साहित्य कम आता है, पहले क्वेश्चंस आए हैं बट सिलेबस में मेंशन नहीं था। हिंदी का प्रवासी साहित्य अवधारणा है, प्रमुख साहित्यकार, फिर ये सेम है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन हमारे सिलेबस में करवाना रहता है, मैंने इन सब पर क्लासेस दी हैं आपको, वीडियोस बने हुए आप पीछे देख सकते हैं। जो रहता है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, उसके साथ साथ प्लेटो के काव्य सिद्धांत, ये रहता है अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टीएस एलियट और रिचर्ड्स और नई समीक्षा, ये टॉपिक रहते हैं। हम ये वाला जो पोर्शन है इसको कंप्लीट कर चुके हैं, पिछले महीने हमने इसी टॉपिक यहां से लेके ये देखिए काव्य दोष यहां से यहां तक हम कर चुके हैं, क्लियर। अब ये रहता है हमारा, तो इसे हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट अगर कर लेते हैं तो हमारा ये थर्ड यूनिट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब है फोर्थ यूनिट में, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में इसका स्थापना हुई, ये रहता है गांधीवादी दर्शन, ये मोस्टली बच्चों ने बीएड में पढ़ा होता है, अब नेट में भी आ गया तो अच्छा है। अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक, ये थोड़ा हमने कम ही पढ़ा हुआ है तो इसे हम ध्यान देंगे, क्लियर। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, ये नया सिलेबस में है, जो आपको ऑरेंज से लाइट किया, ऑरेंज से मार्क किया हुआ दिख रहा है, ये हमारा पहले भी था। जैसे तुलसी रामचरित मानस, उत्तरकांड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, अगर हम पढ़ते हैं और जीवन में ढालते हैं हमें पता चलेगा कि हम कितने आगे बढ़ रहे हैं। फिर बिहारी सतसई, संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50, घनानंद कवित, ये सब बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है, होना ही चाहिए, हमें एक बार इन्हें पढ़ना ही चाहिए। आप कहेंगे बहुत सारा सिलेबस है, मैम तो ये कह रही है पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए, आपको बहुत मजा आएगा, यू वर वेरी हैप्पी अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, और मैं तो मतलब ये देखते ही मैं इतनी खुश हो गई थी, वाओ इतना सारा आपको पढ़ने को मिलेगा, कितनी अच्छी बात है, मजा ही आ जाएगा, वाओ। ब्रह्मराक्षस आप पहले पढ़ चुके होंगे अंधेरे में, साथ में ये और ऐड कर दिया भूल गलती, ये मुक्तिबोध जी का। असाध्य वीणा भी आप पहले पढ़ते हैं, कितनी नामों कितनी बार भी पढ़ा होगा, यह दीप अकेला भी पढ़ा होगा कुछ। अब इन्होंने क्योंकि स्पेशली मेंशन कर दिया है इसलिए क्वेश्चंस आते थे, देखिए इन सब में से क्वेश्चंस आए आप अगर ध्यान हो आपको पिछले पेपर्स का, लेकिन अब इन्होंने क्योंकि मेंशन कर दिया इसलिए हम उस पर फोकस ज्यादा करेंगे, नए सिलेबस को हमने ज्यादा पढ़ना है। पंडित गौरीदत्त, देवरानी जेठानी कहानी, आपने कहानी के उपन्यास के विकास में इसे पढ़ा होगा, पहला उपन्यास 1882 का परीक्षा गुरु माना जाता है, श्रीनिवास दास जी का, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सब आप कर चुके हैं एमए में या कहीं ना कहीं आप इसे पढ़ चुके हैं, बस क्योंकि सिलेबस में मेंशन कर दिया इसलिए सभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको कैसे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु, मैला आंचल, यशपाल, झूठा सच, अमृतलाल नागर, मानस का हंस, भीष्म साहनी तमस, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी, कृष्णा सोपती, जिंदगी नामा, मनु भंडारी, आपका बंटे, जगदीश चंद्र, धरती धन, न अपना। अच्छा मेरे पास व्हाट्सअप आया एक बच्चे का, ही वॉज सेइंग एक्चुअली राइटिंग एक्चुअली टाइपिंग, क्योंकि व्हाट्सएप पे टाइप होता है, कि ये इतना सारा दे दिया मेरे को तो ये ही नहीं पता धरती धन्य अपना किसने लिखी है। मैंने कहा बेटे अब सब समझ आ जाएगा, क्योंकि कितना मजा आएगा इसको पढ़ने में, और ऐसे बच्चों की बातें सुन सुन के भी हंसी आती है, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके एमए में मार्क्स बहुत ज्यादा है या पहले आपने स्कोर अच्छा किया तो
वही बच्चा नेट को भी क्वालिफाई करेगा? नहीं, अब इसमें क्रैम पार नहीं चलेगी, थ्योरी हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम कर पाएंगे। डोंट वरी, आप साथ बने रहिए, आपका सिलेबस मैं करवा दूंगी कंप्लीट। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला चंद्रदेव से मेरी बातें ढुलाई वाली। हाँ, बीच बीच में मुझे कमेंट करके बताते रहना कि आपने ये छोड़ दिया या ये कम करवाया, तो मैं उसको डिटेल में करवा दूंगी। थोड़ा सा चैनल में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा बंद होने के चांसेस हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे शेयर कर देंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ये यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, अग्नि गैंग्रीन ये सब, ये हमारा नया सिलेबस है। मैं पहले बता चुकी हूँ जो येलो में है वो सारा नया है, तो प्लीज़ आप अभी बुक मत खरीदना कोई भी प्रतियोगिता सीरीज की या कोई भी। हाँ, जो प्रॉपर बुक्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी इनकी, उनमें से ही मैं शॉर्ट में निकाल कर आपको उनकी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपको अगर पूरी बुक नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो भी आपका काम चल जाए और एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है एग्ज़ाम क्वालिफाई होने की, सेकंड है कि हमें नॉलेज भी होनी चाहिए, तो हम दोनों चीज़ यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। अब है नेक्स्ट, ये सब पुराना है। लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली पर बहुत से क्वेश्चन आए हैं, खासतौर पर क्रम में लगाने वाले। हबीब तनवीर आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, शंकर शेष एक और, द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ, अश्क अंजो दीदी, मनु भंडारी, महाभोज, भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट शिव शंभू के चिट्ठे। मैंने एक पत्रिका वाला बनाया था उसमें शिव शंभू के चिट्ठे के ऊपर भी हमने काफी देर बात की थी। रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, आपने इनके निबंध संग्रह में ये पढ़ा होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से स्कूल क्लासेस में 9th में 10th में है ये सिलेबस। विद्या निवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूरण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह संस्कृति और सौंदर्य। और हाँ, इनके क्वेश्चन एक एक टॉपिक पर 50-50, 100 जितने भी बनेंगे क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आऊंगी, ताकि आप उन क्वेश्चंस को कर लें और उन क्वेश्चंस में भी कोई आ जाता है तो हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद है रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीदास मुरदहिया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद के घर में, और ये बहुत प्रसिद्ध भी है, मनु भंडारी एक कहानी है भी, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, वह सभी हैं, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। उसके बाद ये है हरिवंश राय बच्चन, मैं क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध, एक लेखक की डायरी, राहुल संकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे अरे यायावर याद रहेगा याद सॉरी। तो आपके लिए मेरी एक फर्स्ट सजेशन ये है, प्लीज आप रचना और रचनाकारों के नाम अच्छे से याद कर लें। जब भी मैं क्लासेस में पढ़ाती हूँ ग्रेजुएशन के लिए, कोई छोटी क्लास या बड़ी क्लास, तो मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट और सलाह यही होती है, सारे सिलेबस में जितने भी लेसन है वो लेसन और राइटर के नाम याद करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने यही काम करना है, तो बी प्रिपेयर, बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ अपने इस चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर दें, और निश्चिंत हो जाएं जल्द से जल्द हम इस सिलेबस पे एक बार। वैसे आपके पढ़ने के लिए मैं ये बता दूं कि आपको एक ही बार में डीपली स्टडी नहीं करनी है, आपने इस सिलेबस को 3 से 4 बार करना है। सबसे अच्छी बात आपके लिए लक है कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, इट मीन्स इस बार का जो पेपर है वो इतना टफ नहीं होगा। ये मतलब आज तक का मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस बार का सिलेबस इतना, आपका जो पेपर है इतना टफ नहीं होगा। कई बार टफ ना होने का हमें नुकसान भी भरना पड़ जाता है, क्योंकि जो कट ऑफ लिस्ट मार्क्स हो जाते हैं वो काफ़ी अप चली जाती है। तो हमें अपने सिलेबस पे फोकस करना है और ये ध्यान रखना कि इस बार आपने क्वालिफाई कर ही लेना है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।